हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूजली ये सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम इन्हें एक बार और अच्छे से कवर अप करेंगे। सी, अगर हमें सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ना है तो वो कभी भी आइसोलेशन में हम उन्हें नहीं पढ़ सकते। हमें प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। अगर किसी को प्रेसिडेंट की पूरी पावर्स और आर्टिकल 74 पता हो, 74 आर्टिकल नंबर 75 ये सारी चीजें पता हो, सो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ऐसे ट्रिकी हो और जो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी किसी को डाउट होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैबिनेट। तो इन दोनों के डिफरेंस को भी हम समझेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है। रेस्ट, अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे से पता है और किसी को प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से पता है तो उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कवर अप कर चुके हैं और ये बहुत ही सिंपल है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऑफिस को समझते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ऑफिस क्या बताता है। एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन अवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है, ये साथ में मिलके कंट्री को रन करते हैं, ठीक, रन्स द कंट्री एंड डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन सारे डिसीजन इनके बेसिस पे किसके नेम पे लिए जाते हैं, डिसीजंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट लेते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज आर्टिकल 74। ये वाली चीज आपको पता है। अब हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एक तरीके से हम मिनिस्ट्रीज को हम अभी ऐसे ही समझ लेते हैं कि अलग अलग, जैसे फाइनेंस का अलग है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री अलग। सो वर्क को स्मूथ करने के लिए क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी कंट्री को रन कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अगर काम डिवाइडेड होगा, अगर अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काम डिवाइडेड होगा तो आसानी होगी ना कि फाइनेंस के लिए आप देखिए, रेलवेज के लिए आप देखिए, एजुकेशन के लिए आप देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा तो काम स्मूथली होगा ना। अगर एक ही इंसान के पास, अगर एक ही इंसान सारा काम करने लग जाएगा तो कितनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर कौन आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, जिन्हें अलग अलग अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज दे दी जाती हैं और वो अपनी मिनिस्ट्री में काम करते हैं, उस चीज़ में देखते हैं कि देश में उसका कैसे इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, रेलवे मिनिस्टर देखेंगे रेलवे के बारे में, फाइनेंस मिनिस्टर देखेंगे कि कैसे रुपए आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ खर्च करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप सभी को पता ही है। द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डिटेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट टू आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 74 एंड आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75 डील्स विद देम इन ब्रॉड एंड स्केची एंड जनरल मैनर। आर्टिकल 74 डील्स विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाइल आर्टिकल नंबर 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरी अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर। 74 हमें पता ही है और 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। 74 को हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एडवाइस प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। हाउएवर प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। ये हमने प्राइम मिनिस्टर को जब हम कवर अप कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर वाला लेक्चर है, हमने उसमें भी ये चीज़ देखी थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस ठीक नहीं लगती तो प्रेसिडेंट एक बार बोल सकते हैं कि आप रिकंसिडर कर लीजिए, लेकिन जब दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह एडवाइस देंगे तो वो उन पर बाइंडिंग होगी। द एडवाइस स्टैंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी इंक्वायर्ड इन टू एनी कोर्ट। अब जो मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहे हैं वो कोर्ट में उन्हें चैलेंज नहीं किया जाता। शेल नॉट बी इंक्वायर्ड इन टू एनी कोर्ट। अब आप देखिए कि क्या हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे ना। पूरे लेक्चर में क्या हो रहा है, हम प्रेसिडेंट हम लोग प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट एज ए सेंटर, हमने प्रेसिडेंट को सेंटर में रखा है। देन आउटर सर्कल प्राइम मिनिस्टर एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम इन तीनों का एक साथ में एक तरीके से देखो तो एक कॉम्बिनेशन करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कोई अलग से कोई आइसोलेशन में कोई आर्टिकल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल हो। ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो सिर्फ इनसे रिलेटेड हो। इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो इन रिलेशन विद द प्राइम मिनिस्टर है या इन रिलेशन विद द प्रेसिडेंट है। सो वी कैन नॉट स्टडी इन आइसोलेशन, ठीक है, वी कैन नॉट स्टडी इन आइसोलेशन। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब जो हमने देखा कि प्रेसिडेंट को ये लोग जो भी एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस देंगे वो कोर्ट में नहीं चैलेंज की जा सकती। सो हम क्या देख रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे सीक्रेसी है। व्हाट इज देयर सीक्रेसी? सीक्रेसी वाली चीज है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने इन ऑफिस में बहुत ज्यादा सीक्रेसी है, उनके बीच में जो भी आपस में बात हो गई है वो हो गई है। आप फ्रेंड्स और आप लोग ऐसा नहीं करते हो कि मेरी ये बात मत बताना यार। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में कुछ बात रखते हो ना जो आप किसी को नहीं बता सकते हो, तो इनके बीच में भी सारी बात एक तरीके से सीक्रेट रहती है, आपस में रहती है, बाहर नहीं आती है। क्लियर है ये वाली चीज भी आपको? देन आर्टिकल नंबर 75, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर तय करते हैं कि किस इंसान को कौन सा पोर्टफोलियो देना है। वो तय करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसे देना है, वो तय करते हैं कि होम मिनिस्ट्री किसे देना है, वो तय करते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री किसे देना है। तो प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बोलते हैं कि आप इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए, तो प्रेसिडेंट उन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो जो भी मिनिस्टर्स बनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आप इन्हें अपॉइंट कीजिए एज अ एजुकेशन मिनिस्टर, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ होम मिनिस्टर। ये वाली चीज भी क्लियर है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। दिस प्रोविजन वॉज एडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। 543 का 15%, इससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों है, ये प्रोविजन क्यों रखा गया है? अगर ये 15, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अगर हम देखें, अगर ये 15% नहीं होता तो हम पहले देख रहे थे कि कौन सी गवर्नमेंट होती थी, कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता था,
कोएलिशन गवर्नमेंट में हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि अलग अलग पार्टी साथ में आती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है, वो बोलती कि हाँ हम आपको समर्थन देंगे, हम आपको समर्थन देंगे, आप सरकार बनाइए, लेकिन एक शर्त पे कि आप हमारे किसी मेंबर को मंत्री पद पे लगाइए। तो देखा जाए तो एक टाइम पे ऐसी स्थिति आ गई थी कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज बना दी थी, और इतने सारे मिनिस्टर्स हो गए थे क्योंकि सबको मंत्री बनना है, तो सभी मतलब मंत्री बनने की लाइन में लगे थे। और पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी ऐसे ही सपोर्ट नहीं करती है ना, हमने ये पढ़ा है कि पॉलिटिकल पार्टी उसी शर्त पे सपोर्ट करती है कि हाँ आप हमारे मेंबर्स को मंत्री बना दीजिएगा। तो इतने ज़्यादा मंत्री होने लग गए थे और फिर उतना ही ज़्यादा करप्शन हो रहा था, तो इस चीज़ को फ्रीज किया गया कि लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% मेंबर होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% मेंबर होने चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। द प्रोविजन वॉज एडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the grounds of defection shall be disqualified to be appointed as minister. अगर कोई member ने दल बदला है और वो disqualified हो गया है किस act के through? Through anti-defection law. Anti-defection law हम cover up कर चुके हैं, जिसे नहीं पता हो anti-defection law क्या है वो एक बार please उस video को refer कीजिएगा। अगर कोई भी इंसान, कोई भी मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये वाली चीज क्लियर है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, हम क्योंकि इन्हें यूजली कवर करते आए हैं, लेकिन हमें कोई सी भी चीज मिस नहीं करनी है, सो हम एक बार और इसे देखेंगे। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब क्या है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर की इच्छा होगी तब तक वो मिनिस्टर के पोस्ट पे रहेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की इच्छा नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं कि आप रिजाइन कीजिए, हम किसी दूसरे इंसान को वहां पे मिनिस्टर्स बनाएंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कब तक रहते हैं लोकसभा में? प्राइम मिनिस्टर तब तक रह सकते हैं तब जब तक कि लोकसभा में मेजॉरिटी हो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट प्राइम मिनिस्टर तब तक लोकसभा में रह सकते हैं तब तक लोकसभा में मेजॉरिटी हो। एंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि आप इन्हें मिनिस्टर्स बनाइए। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को गाइड करते हैं कि आप इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाइए। तो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो इन्हीं में से किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब ये नहीं रहेंगे, हम दूसरे इंसान को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लोकसभा। दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लोकसभा। द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ एंड ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ अ मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलवाते हैं, आपने देखा होगा शाम के टाइम पे वहां पे है ना, ओथ टेकिंग सेरेमनी में प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं मिनिस्टर्स को। द मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईदर ऑफ द हाउस फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। ठीक है, अब कोई मिनिस्टर दोनों हाउसेज में से किसी के भी मेंबर नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस के मेंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये केस हमने देखा था हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, वो दोनों हाउस के मेंबर नहीं थे फिर भी उन्हें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया, देन वो 6 मंथ के अंदर अंदर वो राज्यसभा के मेंबर बने, वो राज्यसभा से इलेक्ट होके आए। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर वो दोनों हाउस में से इधर लोकसभा और राज्यसभा अगर इन दोनों में से वो किसी के भी मेंबर नहीं होते तो उनकी मिनिस्टरशिप चली जाती, उनका वो पोर्टफोलियो चला जाता। ये वाली चीज समझ में आके, ये वाली चीज आपको क्लियर है। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तय करेगी कितना सैलरीज वगैरह देना है, मिनिस्टर्स की क्या सैलरीज वगैरह होगी। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये वाली चीज हमने प्रेसिडेंट में पढ़ी थी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, जितनी भी फॉरेन में भी ट्रीटीज वगैरह होती हैं,
तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होती है। भले ही हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ पे गए हो, लेकिन वो वहाँ पे गए हो, उन्होंने ट्रीटी वहाँ पे बात की हो कि हाँ अपन ये वाली ट्रीटी कर लेंगे, ये वाली ट्रीटी साइन कर लेंगे, लेकिन वो वाली ट्रीटी किसके नेम पे साइन होती है? ऑल द ट्रीटीज आर साइन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है दे आर साइन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। और ये प्राइम मिनिस्टर की सेना है एक तरीके से, है ना, ये प्राइम मिनिस्टर की टोली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीज क्लियर है यहाँ पे? ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स बाय द प्रेसिडेंट। ये सारी चीजें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, जैसे कि प्रेसिडेंट ने बताया, जो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ऑर्डर्स वगैरह हैं, तो जो भी रूल्स वगैरह हैं उस हिसाब से होना चाहिए। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ मिनिस्टर्स टू द सेट बिजनेस। प्रेसिडेंट रूल्स बनाएंगे ताकि गवर्नमेंट अपना ट्रांजेक्शन और अच्छे से कर सके, बट प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 78 क्या बात करता है? आर्टिकल नंबर 78 बात करता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सारी चीजें बताना, ठीक है, कि हमने ये डिसीजन ले रहे हैं, वो वाली चीज प्रेसिडेंट को बताना जो कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को देनी होगी, या कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है तो वो चीज़ अगर प्रेसिडेंट को बताना। ये सारी चीज़ें किसकी है? इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये वाली चीज भी हम देख चुके थे। राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू द हाउसेज। एवरी मिनिस्टर शैल हैव राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। अब हमने ये वाली चीज भी देखी थी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दोनों हाउसेज की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे कैन ईदर पार्टिसिपेट इन द लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दे कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, लेकिन वो वोट कहां पे दे सकते हैं? दे कैन वोट ओनली जिस हाउस के वो मेंबर होंगे, सिर्फ वो उसी हाउस में वोट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो वोट अपना सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में कास्ट कर सकते हैं, लोकसभा में कास्ट नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमारे होम अफेयर मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में वोट कास्ट कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते, लेकिन वो राज्यसभा में प्रिसीडिंग्स हो रही है तो हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर राज्यसभा में उस प्रिसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। ये वाली चीज भी क्लियर है? सारी चीजें हम पढ़ते हैं, बस हमें एक क्विक रिविजन करना आप लोगों को भी। आर्टिकल 74 प्रोवाइड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये वाली चीज़ हमें पता है। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैव मेड द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। Further, the nature of advice tendered by minister to the president cannot be inquired in any court. This provision emphasizes the immediate and confidential relationship between president and the minister. Confidential relationship को ये चीज दर्शाती है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? Article 74 is mandatory and therefore the president cannot exercise the executive power without the aid and advice of council of minister. ये सारी चीजें मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेटेटिव ऑफ आर्टिकल 74। अगर प्रेसिडेंट कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हैं और प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस नहीं मान रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल नंबर 74। इससे हमने क्या समझा है? ये हमने प्रेसिडेंट के उसमें भी देखा था, रियल पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के पास में है, प्रेसिडेंट के पास में कोई भी रियल पावर नहीं है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ इनकी एड एंड एडवाइस पे फंक्शंस कर रहे हैं, इनकी एड एंड एडवाइस पे काम कर रहे हैं। ये वाली चीज़ भी हमें क्लियर है, ठीक है। इन
अगेन इन 1974 द कोर्ट हेल्ड दैट वेर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इट इज अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार ये काम होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं लिखा है इट इज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार काम होगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार काम होगा, उसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की इच्छा के अनुसार काम में होगा, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना होगा तो प्रेसिडेंट पहले उनसे कंसल्ट करेंगे. सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ हुज एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर एंड फंक्शन. सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये वाली चीज भी ध्यान है आपको, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई है. हमें बेसिकली इसमें जो चीज़ें अच्छे से कवर अप करनी है वो कौन सी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है. द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये वाली चीज़ हमें पता है. दिस मीन्स द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज अ मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये वाली सारी चीज़ें आप सबको पता है. तो अब हम उस लेक्चर पर उस पार्ट पर बढ़ते हैं जो कि हमें नहीं पता है. ठीक है, बेसिकली ये लेक्चर इसीलिए रखा गया है कि ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो मिस हो जाए, और ये जो स्लाइड्स भी हैं ये इसीलिए ली गई है ताकि आपकी कोई सी भी चीज़ ऐसा ना हो कि जो मिस हो जाए तो आप बाद में बोलो कि सर आपने ये हमें नहीं पढ़ाया है. ओथ एंड सैलरी. बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी. इन हिज ओथ ऑफ ऑफिस द मिनिस्टर स्वेयर टू बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully and consciously discharge the duty of his office, to do right in all the manner of people in accordance with the constitution and the law without the fear and favor, affection or ill will. ठीक है, oath कैसे लेते हैं? Oath constitution को protect करने की, to uphold the dignity and sovereignty of India, हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, ये सारी चीज़ें president के oath की है. अब मेरे मन में एक सवाल है कि एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिस है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है ये कंपलसरी ऑफिस है या नहीं है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है ये ज़रूरी है कि कंट्री में कोई ना कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंट्री में कोई ना कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो. 1990 में क्या हुआ था, मिस्टर देवी लाल हैज़ टेकन ओथ एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उसको चैलेंज किया गया था, चैलेंज एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स. कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट किसे वो दिलवाएंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो दिलवाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को क्यों वो दिलवाई है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उन्होंने कोई ओथ दिलवाई है तो कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोई भी ऐसा फंक्शंस नहीं कर रहे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं. बेसिकली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इसलिए बनाई गई थी ताकि उस टाइम पे आप देखो जब ये पोस्ट वाला था 1990 के दौरान, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोएलिशन गवर्नमेंट वाला एरा चल रहा था. तो ऐसा था कि चलिए आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, हम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, इससे पॉलिटिकल पार्टी सारी साथ में आ जाएगी और हम देश को चलाएंगे, इसलिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बनाई गई थी. ठीक है, बाकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ऐसा सच कोई पोजीशन पावर है नहीं, ऐसा कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऐसा करेंगे. यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को अगर प्रेसिडेंट ने ओथ दिलवाई है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर है? और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ओथ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस क्यों बनाया गया था? करेंट में क्या कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, किसी को बनाया है, नहीं बनाया है? ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी न किसी को हमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाना ही है, ऐसा कोई कंपलसरी प्रोविजन नहीं है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होना ही चाहिए. यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है? अब हम हमारे जो मेन टॉपिक है जो आपको समझना भी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस है, हम उस पर बढ़ते हैं. ये सारी चीज़ें आपको पता है कि सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, सैलरी डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट, उनको रहने करने का खर्चा भी कौन देती है, पार्लियामेंट, फ्री अकोमोडेशन, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, फ्री में प्लेन में कहीं भी चल जाओ, कोई रुपये वुपये नहीं लगते, ये सारी चीज़ें एक मिनिस्टर्स को ये सारी सुविधाएँ मिलती हैं. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है?
अब हम आगे देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है, हम पहले उसे समझ लेते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे। और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं कवर अप कर चुके हैं, तो मतलब आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो जो 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 चीज़ें नहीं पता हम उसे कवर अप करते हैं। देखो, हम एक हायरार्की बनाते हैं। सबसे ऊपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, देन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, देन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर इनके अंदर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड देन डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक, एक ही आप हायरार्की समझ लो कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास में होती है, सबसे ज्यादा पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में, ठीक है, उसके बाद में सबसे ज्यादा पावर होती है कैबिनेट मिनिस्टर के पास में, देन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, देन डेप्यूटी मिनिस्टर। एक और टाइप कैटेगरी होती है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की, लेकिन आजकल इनका कोई इतना कोई रोल है नहीं, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। बेसिकली इन तीन के बारे में बात की जाती है। अब हम हमेशा से ये पढ़ते आए हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपने देखा होगा कैबिनेट, अब बार बार सुनते हो कि ना कैबिनेट की मीटिंग है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड बहुत कम यूज होता है ना, कैबिनेट सुनते हो, तो इनमें अंतर क्या है? देखो, जो कैबिनेट होते हैं ना वो मोस्ट पावरफुल होते हैं, कैबिनेट में जो मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्रीज होती है, लाइक हम ले लेते हैं फाइनेंस, होम अफेयर्स, डिफेंस, एंड फॉरेन अफेयर्स, ये जितनी भी पावरफुल मिनिस्ट्रीज रहती हैं, जो मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्रीज होती है, उनको हम रैंक कर देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के उसमें, है ना, उनको हम दे देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के उसमें, ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर। दीज प्ले द मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग, ये वाले मिनिस्टर सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग की, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन काम इन ये सारे लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, जैसे कोई भी पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करनी हो तो इन लोगों की पहले मीटिंग होती है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इन सब ये सब आपस में बैठते हैं और देन ये डिसाइड करते हैं क्या प्लान बनाना है, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे करना है, कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन से डिसीजन नहीं लेने, ये सारे लोग मिल के तय करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट, जितनी भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है ना, जितनी भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है, वो सारे लोग बैठते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं। सो आपको कैबिनेट मिनिस्टर ध्यान आ गया, यही सारी मीटिंग के ऊपर प्रिसाइड करते हैं जब प्राइम मिनिस्टर, और यही लोग प्रिसाइड करते हैं, और प्रेसिडेंट को भी एडवाइस देनी होती है तब कैबिनेट मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यही लोग प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को आप ऐसे समझिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके नीचे है, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एक कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, हम कैबिनेट मिनिस्टर में ले लेते हैं मिसेस निर्मला सीतारमन को, ठीक है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, अब इनके अंडर में ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब इनका बहुत सारा काम होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं एक कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, तब इन पे भी कोई हेड करने, इन पे भी कोई ना कोई मेंबर चाहिए ना जो इन डिपार्टमेंट्स को देखेंगे, ये डिपार्टमेंट अकेली फाइनेंस मिनिस्टर कैसे संभाल सकती है? देखो, ये बेसिकली हायरार्की क्यों है, हायरार्की इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को नहीं संभाल सकते, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं देख सकते कि फाइनेंस में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं देख सकते कि डिफेंस में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर होम अफेयर मिनिस्ट्री की चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन की चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें एक अकेला इंसान कैसे करेगा? सो हमने क्या किया, हमने इसे डिवाइड कर लिया कि मिनिस्टर्स रहेंगे तो अलग अलग
अलग अलग चीजें इन्हें सौंप दी जाएगी ताकि स्पेशलाइजेशन के थ्रू काम होगा, सो दैट स्पेशलाइजेशन के थ्रू काम होगा। वो एक अलग डिबेट है कि स्पेशलाइजेशन के थ्रू मतलब मिनिस्टर्स अपने फील्ड में स्पेशलाइज हो या ना हो, वो एक अलग ही डिबेटेबल इशू है, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो यही था कि स्पेशलाइजेशन के थ्रू होगा। अब जब स्पेशलाइजेशन के थ्रू का काम का हमने सोचा, तो मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर FM जो मिसेज निर्मला सीतारमन, अब इनके पास भी कितना सारा काम होगा, ये भी पूरी क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री पे नजर रख पाएंगी, जरूरी नहीं है कि पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री पे नजर रख पाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट किया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कौन है अभी फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक तरीके से डेप्यूटी हैं, ये सारे काम देख रहे हैं, ठीक है। अब कई बार एक डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी हायर करते हैं, जरूरी नहीं हो कि हर मिनिस्ट्री में यही हायरार्की चलेगी कि कैबिनेट मिनिस्टर है, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, देन डेप्यूटी मिनिस्टर है, ठीक है। कई बार डेप्यूटी मिनिस्टर नहीं भी हो तो भी चलेगा, हो तो भी चलेगा, वो इशू नहीं है, ठीक। लेकिन अब ये क्या है, ये अनुराग ठाकुर देख रहे हैं कि मैडम पे ज्यादा लोड ना पड़ जाए काम का, तो ये इन्होंने काम डिवाइड कर लिया, इन दोनों ने काम आधा आधा डिवाइड कर लिया है, मैम सुपरवाइज कर रही हैं और ये देख रहे हैं नीचे के काम, ठीक है। अब कई बार हो सकता है कि इनका काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इनको भी तो कोई ना कोई असिस्ट करने वाला चाहिए, सो डेप्यूटी मिनिस्टर एक लगा दिया नीचे और कि आप इनको असिस्ट करो, आप इनको असिस्ट करो। और जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनको असिस्ट ही करते हैं, ऐसा भी हो सकता है हम कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया जाए कि आप ये डिपार्टमेंट देखिए, आप ये वाला डिपार्टमेंट देखिए, आप ये वाला डिपार्टमेंट देखिए, तो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर का काम कम हो जाएगा। ये वाली चीज यहां तक समझ में आई, यहां तक आपको क्लियर हुआ, इसे हम रब कर देते हैं सो देट हम और भी अच्छे से चीजें कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब जो मेन मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो हम सुनते हैं, उन पे सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं, जो कि मेन मीटिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं उनमें ये पूरे के पूरे मिनिस्ट्रीज पहुंच जाएंगे, उनमें ये सारे के सारे लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, यही उन मेन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, यही उन मेन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। यहाँ आपको ये समझ में आ गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड यूज है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड यूज है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। लेकिन उसमें इतना सारा बायफर्केशन है, क्योंकि इतने सारे भी मिनिस्टर्स हैं, ये सब थोड़ी ना एडवाइस करने लग जाएंगे, इसमें भी किसी के पास ज़्यादा पावर होगी, किसी के पास कम होगी, उसके पास कम होगी। आपकी स्कूल या कॉलेज में देखते होंगे तो क्या होता है, हेड बॉय होता है, ठीक है, एक हेड बॉय होता है, ठीक है। हेड बॉय के अंदर क्या होता है, हेड बॉय और हेड गर्ल वाला रहता है, देन उनके अंदर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, ऐसे अलग अलग करके डिवाइड नहीं कर दिया जाता है, ताकि काम का स्पेशलाइजेशन हो। फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंदर भी क्या होता है, डेप्यूटी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फिर डेप्यूटी कल्चरल मिनिस्टर, ठीक है। सो ये सारे डेप्यूटीज होते हैं, ग्रीन हाउस कैप्टन, रेड हाउस कैप्टन, फिर डेप्यूटी ग्रीन हाउस कैप्टन, ये सारे रहते हैं ना, वाइस कैप्टन, ये सारी चीज़ें क्यों रहती है, ये सारी चीज़ें इसीलिए रहती है ताकि काम एक बहुत अच्छे तरीके से हो। सो सेम हमारी मिनिस्ट्री में भी है, ठीक है, सेम हमारी मिनिस्ट्री में भी है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये वाली चीज़ें क्लियर है। अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, किचन कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज अ वाइडर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडेड हो जाते हैं, पूरे कैबिनेट, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, इट इज अ स्मॉलर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 मिनिस्टर्स, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं
वही कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में, वही कैबिनेट मिनिस्टर्स में आती हैं। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। इट इंक्लूड्स ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शन। इनके पास कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो आपकी सिर्फ मिनिस्ट्री पे देखिए, आपका कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं है, आपको कोई साथ वाथ में मिलने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम है, आपको जो काम सौंपा गया, आप वो काम कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को भी, जैसे डिफेंस में कुछ प्रोक्योरमेंट वगैरह हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक बार देखेगी कि क्या है, लेना नहीं है, कितने क्या रुपए हैं। तो इनका आपस में मिलना भी होता है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक भी रहते हैं ना, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से लिंक भी रहती है ऊपर वाले लेवल पे। लेकिन हम जब नीचे लेवल पे देखें, जो जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको क्या लेना देना, आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का काम कीजिए, आप यहाँ पे ताका चाकी मत कीजिए, है ना। इट इज वेस्टेड विथ ऑल पावर बट इन थ्योरी, इनके पास सिर्फ थ्योरी में पावर है क्योंकि इनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं है। ये सिर्फ अपने ये काम कैसे करते हैं, दे वर्क जो इनके हेड ने बोल दिया, ये उसी हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया, वही डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर उसी हिसाब से मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम करेंगे। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पॉलिसीज फॉर्म कर दी, जैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बता दिया, वैसे ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट उन्हीं पॉलिसी को आगे लेके जाएंगे। तो इनके पास सिर्फ पावर है बट ओनली इन थ्योरी, नॉट इन प्रैक्टिकल सेंस। इट इज अ स्मॉलर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 15-20 मिनिस्टर। इट इंक्लूड्स अ कैबिनेट मिनिस्टर ओनली, दैट इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट मीट्स एज अ बॉडी फ्रीक्वेंटली एंड यूजली वंस इन अ वीक टू डेलिब्रेट एंड टेक डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस दैट इज दैट इट हैज कलेक्टिव फंक्शंस। अच्छा, अभी कोविड का टाइम है, अपने कोविड टाइम में देखा होगा कि बार बार मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, है ना, बार बार बहुत सारे मिनिस्टर्स को बुलाया जा रहा था, मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी। तो क्या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बुलाया था, नहीं बुलाया था ना। आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सेंटर में बैठते हैं और सारे मिनिस्टर्स ऐसे उनको टेबल करे हुए ऐसे बैठते हैं, तो वहाँ पे कुछ ही मिनिस्टर्स होते हैं दैट आर कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि ये डेली बेसिस पे मिलते हैं और ये अपने आगे क्या करना है, कैसे आगे चीज़ों को लेके जाना है, ये सब कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथ में होता है। इनके पास सिर्फ इन थ्योरीज, सिर्फ थ्योरी में इनके पास है पावर, बाकी है नहीं। क्योंकि अभी जैसे कोविड वाला एग्जांपल सबसे अच्छा, आप इमेज वेज वगैरह देखेगा तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं मोदी कैबिनेट के, वही सिर्फ आए हैं, उन्होंने ही सिर्फ मीटिंग की है, और ये जो डेप्यूटीज वगैरह हैं ये लोग मीटिंग्स में नहीं बैठते। इट एक्सरसाइज इन प्रैक्टिस द पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दस एक्ट फॉर द लेटर। ये प्रैक्टिकली इनके पास पावर होती है और ये उस हिसाब से काम करते हैं। ये वाली चीज समझ में आ गई, इनका डिफरेंस भी समझ में आ गया। इट इंप्लीमेंट्स डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, जो कैबिनेट ने जो डिसीजन ले लिया, जो मैडम निर्मला सीतारमन ने डिसीजन ले लिया है, उन्हीं डिसीजन को अनुराग ठाकुर फॉलो करेंगे। क्लियर है, ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में जाएगा। इट इज अ काउंसिल, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनको इसलिए कहा गया है। अच्छा, आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, बेसिकली इस डिफरेंस में ये है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड यूज है। 74 आर्टिकल में देखोगे कैबिनेट वर्ड लिखा है क्या, कि कैबिनेट विल एडवाइज, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड यूज है, कैबिनेट वर्ड नहीं है। इट वॉज इंसर्टेड, जो वर्ड कैबिनेट है, इट वॉज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन In 1978 by the 44th Constitutional Amendment Act, it was inserted in Article 352 of the Constitution in 1978 by the 44th Constitutional Amendment Act. ठीक है, thus it did not find a place in the original text of the Constitution. It does not find a place in the original text of the Constitution. ओरिजिनली में हम लोग क्या देख रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा है ना। आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस चीज को ध्यान रखिए। नाउ ऑल्सो आर्टिकल 352 ओनली डिफाइंस द कैबिनेट सेइंग दैट इट इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक appointed under Article 75 and does not describe its power and function. In other words, its role in our political administrative system is based on the
कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज डेवलप्ड इन ब्रिटेन। अब इनकी कुछ पावर वगैरह मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैबिनेट की क्या पावर होगी? जैसा कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, आर्टिकल नंबर 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंशन है, कैबिनेट मेंशन नहीं है 74 वगैरह में, और कैबिनेट की कोई पावर वगैरह भी डिसाइडेड नहीं है। फिर भी हमने देखा कि कैबिनेट कितना पावरफुल है। अभी हमने ये चीज़ें समझी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स पावरफुल है, इनके पास तो कोई पावर है ही नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कोई पावर है ही नहीं, सो ये पावरफुल कैसे हैं? ये जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन चले आ रहे हैं, जो पहले से जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन चले आ रहे हैं, अगर उनको हम देखें तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये वाली चीज़ आपको क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है? क्योंकि यूजली हम कन्फ्यूज होते हैं कि कैबिनेट मतलब क्या है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। अब हम बात करते हैं किचन्स कैबिनेट की। पहले रोल ऑफ कैबिनेट देख लेते हैं, फिर किचन कैबिनेट देख लेंगे। इट इज एन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये हमें पता है, इट इज एन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। इट इज अ चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज अ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीफ कोऑर्डिनेटर है, ये एडवाइजरी बॉडी है प्रेसिडेंट को। इट एडवाइज प्रेसिडेंट एंड द एडवाइस जो भी ये देते हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। इट डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। कोई भी जैसे बिल वगैरह लेके आना हो, अच्छा आप ही सोचिए, जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोई बिल वगैरह कुछ लेके आना हो, कोई अप्रोप्रिएशन बिल, कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ रुपए वगैरह निकालने हो बीच में, जैसे हमने देखा था कि पार्लियामेंट से पास होके निकलते हैं ना, सो क्या वो अनुराग ठाकुर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, क्या ये अप्रोप्रिएशन बिल लेके आ सकते हैं पार्लियामेंट में? ये नहीं लेके आ पाएंगे ना, इन्हें पहले पूछना होगा। अगर ये बिल इंट्रोड्यूस भी हुआ, वैसे तो ये नहीं लेके आएंगे, मैडम ही लेके आते हैं, लेकिन अगर इन्हें कुछ बिल्स वगैरह कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी होगी, कोई नई चीज़ लेके आनी होगी, सो ये पहले कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर से ये पहले कंसल्ट करेंगे ना कि ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या हमें ये चीज़ें लेके आनी है, देन शी विल इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट। इनके पास कहाँ पावर है, पूरी पावर इनके पास में, तो सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस वगैरह, कौन से बिल वगैरह लेके आना है, ये सारी चीज़ें कैबिनेट डिसाइड करता है कि कौन सी पॉलिसीज लेके आनी है, ये सारी चीज़ें कैबिनेट डिसाइड करता है। ये वाली चीज भी क्लियर है, इट डील्स विद द ऑल फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स। जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज हैं सबसे यही डील करते हैं। अब किचन्स कैबिनेट मतलब क्या है? किचन्स कैबिनेट मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का एक स्मॉल बॉडी, ठीक है, हम इसको भी ऐसे समझ लेते हैं। किचन कैबिनेट्स मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर है, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल। फिर हमने देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एंड देन फिर अलग अलग और हैं, लेकिन किचन कैबिनेट मतलब यह होता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग, ही इज द डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास में है, डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास में, कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो हम रीसेंट टाइम्स में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपने कुछ खास लोग लिख लो, ठीक है, अपने कुछ खास लोग, ये दो चार इंसान हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो रिलेटिव भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ये लोग मिलके डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसे कहा गया है किचन्स कैबिनेट। इस चीज़ को कहा गया है किचन कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर के कुछ खास लोग, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी, ज़रूरी नहीं है कि पूरे कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई एकाध कैबिनेट मिनिस्टर में भी कोई एकाध मिनिस्टर उनके मन पसंदीदा हो, वो उनके रिलेटिव्स जो भी वो लोग हैं, वो लोग मिलके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मेजर डिसीजन ले रहे हैं कंट्री के कि क्या करना है, इसीलिए इसे किचन्स कैबिनेट कहा गया है। एक छोटा सा कैबिनेट, एक जो हमें क्या लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ये है
और ये है, लेकिन असलियत ये है कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के कुछ खास लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं, और इसीलिए इसे किचन कैबिनेट कहा गया है कि इस कैबिनेट के अंदर एक छोटा सा कैबिनेट है जो प्राइम मिनिस्टर का बहुत खास है, जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत खास लोग हैं वो इस देश को चला रहे हैं, और वो किचन कैबिनेट है, और जो कि हमें बाहर पता भी नहीं चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के ये खास लोग मिलके चला रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, मैं कुछ लिखने लग गया था, अभी बोलोगे सर को क्या हो गया, प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइम मिनिस्टर प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग मिलके इस देश को चला रहे हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट बता रहे हैं कि आप इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट करिए ताकि हमें फ़ायदा हो, आप इस तरीके से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आइए ताकि हमें फ़ायदा हो, और हम आपको फिर बहुत अच्छा चंदा देंगे जब आप चुनाव लड़ेंगे, तब आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जिससे हमें फ़ायदा हो, तो हम आपको बहुत अच्छा डोनेशन देंगे, और जब इलेक्शन आएंगे तब हम आपके जो रुपए खर्च करने होते हैं ना पोलिंग वगैरह में, आपको ही पता है कहाँ कहाँ रुपए खर्च होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तब क्या क्या चीज़ें बांटी जाती है, तब हम आपको रुपए देंगे, आप चिंता क्यों करते हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को हम डोनेशन दे देंगे, बस आप हमारा ये काम करवा दो। तो ये जितने भी पहले के प्राइम मिनिस्टर अभी, ये सबके लिए ये वर्ड यूज़ होता है किचन कैबिनेट, कि ये लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं कंपेरेबल टू दिस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया व्हाट इज़ किचन कैबिनेट। अब हम वापस चलते हैं हमारे उस पे, हमें बार बार यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। द कैबिनेट अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज इट हैड एंड सम 15 टू 20 मेंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द फॉर्मल सेंस। हाउएवर अ स्टिल अ स्मॉलर बॉडी द इनर कैबिनेट और किचन कैबिनेट हैज बिकम द रियल सेंटर ऑफ पावर। कैबिनेट की जगह कौन सा होता है, कैबिनेट में तो हमने देख लिया कि कुछ 15 से 20 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हमने पावरफुल बोला है। हमको ये लगता था कि कैबिनेट सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कैबिनेट नहीं है अब सबसे ज्यादा पावरफुल। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, इनर कैबिनेट और किचन कैबिनेट, जो कि अभी हमने देखा है। दिस इज एन इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्टिंग, इसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस बढ़ा है। इट इज़ एन इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड टू और फोर इनिशियल कलीग्स, इन्फ्लुएंशियल कलीग्स इन होम ही हैज़ फेथ, विथ होम ही कैन डिस्कस एवरी प्रॉब्लम। ये तो वही दोस्ती वाली बात हो गई कि मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, फिर चाहे मुझे कोई कुछ भी क्यों नहीं कहे, लेकिन मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोल दिया तो मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन ये वाली बात गलत है कि ही हैज़ फेथ विथ होम ही कैन डिस्कस एवरी प्रॉब्लम। फेथ तो खैर वो बात है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ये जो लॉबीज आती है जो इलेक्शन जीतने में मदद करती है, वो कुछ मीडिया चैनल्स के कुछ लोगों को पकड़ लिया, कुछ मीडिया हाउसेस को पकड़ लिया कि दो तीन आप हो गए, दो तीन इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए और मिल के चलाएंगे, हम डिसीजन लेंगे, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। इट एडवाइजेज द प्राइम मिनिस्टर ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड असिस्ट हिम इन मेकिंग द क्रूशियल डिसीजन। यही प्राइम मिनिस्टर को गाइड कर रहे हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर बट ऑल्सो आउटसाइडर्स लाइक फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जरूरी नहीं है कि इस किचन कैबिनेट में कुछ कैबिनेट मिनिस्टर ही हो, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट ये भी हो सकते हैं। एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज इट्स इनर कैबिनेट अ सर्कल विद इन अ सर्कल। एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, एवरी लिखा है ना, एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज इट इनर कैबिनेट अ सर्कल विद इन सर्कल ड्यूरिंग द एरा ऑफ, ठीक है, ये वाला चीज भी है कि ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी द इनर कैबिनेट विच केम टू बी कॉल्ड एज किचन कैबिनेट वॉज पर्टिकुलरली पावरफुल। ठीक है, तो ये हर कैबिनेट के उसमें होता है और तब से शुरुआत हो गई थी यहाँ पे, और किचन कैबिनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी मानी जाती है कंपेरेबल टू मिनिस्टर्स। ठीक है, इतना आप समझे हो। द प्राइम मिनिस्टर हैव रिसोर्टेड टू डिवाइस ऑफ इनर कैबिनेट, इट इज़ एन स्मॉल यूनिट विच इज़ मोर एफिशिएंट ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट कैन मीट मोर देन एंड डील विद बिजनेस मच मोर एक्सपीडियसली देन अ लार्जर कैबिनेट। इट हेल्प्स द प्राइम मिनिस्टर इन मेंटेनिंग द सीक्रेसी इन डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशूज़। इसमें सीक्रेसी वगैरह मेंटेन होती है, और इसकी क्रिटिसिज्म भी है कि आपको कोई पावर है नहीं, जो रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स हैं, आप किस हक से
इस कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। ये इसका क्या है, ये इसका फ्लॉज है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। और ये जो किचन कैबिनेट वाली हमने चीज देखी थी, ये कहाँ पे है, ये यूएसए, ब्रिटेन, ये लगभग लगभग पता है हर कंट्री में होता है, क्योंकि हर कंट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। किचन कैबिनेट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन यूएसए में भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें हमने देखा होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे रुपए भी देते हैं ना। सो ये लॉजिक है, ये आपको भी पता होगा। अब एक फाइनल चीज जो आपको समझनी हो ये है कि हमने क्या देखा था, प्रेसिडेंट वॉक आर्टिकल 74 क्या बताता है। आर्टिकल 74 बोलता है कि प्रेसिडेंट वॉक ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, ठीक है। दैट एडवाइस कैनॉट बी इंक्वायर इंटू द कोर्ट, कैनॉट बी इंक्वायर इंटू द कोर्ट, कैनॉट बी cannot be inquired into court. लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, हम सारी चीजें पार्लियामेंट्री का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जितने भी कन्वेंशन है ये सामने सबने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि वहां की किंग या क्वीन को कुछ भी एडवाइस देते हैं मिनिस्टर, ठीक है। वहां की किंग और क्वीन को कुछ भी जो मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं, ठीक है, उस एडवाइस को मिनिस्टर एक रिटर्न फॉर्मेट में लिख के देन सिग्नेचर कर देते हैं, ताकि अगर कोई भी चीज अगर यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, यहाँ पे कोई भी चीज जो कि किंग जो डिसीजन ले रहे हैं, मिनिस्टर के कहने पे किंग डिसीजन लेंगे, ठीक है, मिनिस्टर के कहने पे किंग डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है ये जो एडवाइस दे रहे हैं मिनिस्टर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो। सो दैट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक तरीके की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए मिनिस्टर एक रिटर्न फॉर्मेट में अपना सिग्नेचर करके देते हैं, ताकि कल को ये बात में आए कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वहाँ पे तो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस थी, ऐसी चीज़ किंग को इंप्लीमेंट नहीं करनी थी, ऐसी कोई सी पॉलिसीज़ किंग को लेके नहीं आनी थी, ऐसा कोई अनाउंसमेंट किंग को नहीं करना था। तो किंग ये बता सकते हैं कि देखो ये मैंने खुद ने नहीं किया है, मुझे ये मिनिस्टर ने बोला था, इसलिए मैंने मिनिस्टर के कहने पर ये चीज़ की है और उन्होंने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करे हैं, ठीक है। सो वहां पे एक फ्रेज चलता है, द किंग कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ब्रिटेन में क्या चलता है, द किंग कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि वहां पे मिनिस्टर को रिटर्न में वो एडवाइस लिख के सिग्नेचर करने पड़ते हैं और किंग भी उन्हीं एड एंड एडवाइस को फॉलो करते हैं। लेकिन कल को कोई सवाल आए कि एडवाइस गलत थी, तो किंग बता सकते हैं कि मैंने खुद ने तो इस्तेमाल नहीं की है, मैंने खुद ने ये डिसीजन नहीं लिया है, मुझे मिनिस्टर ने कहा है। क्या इंडिया में ये केस है, डज दिस केस इज सेम इन द इंडिया, क्या इंडिया में ये वाली चीज है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या होता है, मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से बस बोल दिया, प्रेसिडेंट को एडवाइस को फॉलो करना है एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। इंडिया में सिर्फ इतना ही है। सो आई होप आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इस लेक्चर में बेसिकली कुछ था नहीं, वही सारी चीज़ें थी जो हमने पहले से पढ़ते आए हुए हैं, एक तरीके से ये रिवीजन ही था, दो तीन चीज़ नई थी जैसे किचन कैबिनेट और ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।